देवघर विद्यापीठ की इन हाउस ट्रेनिंग में आप सभी का मैं सादर अभिनंदन करती हूँ। मैं अरुणा प्रिया आपके समक्ष बाल मनोविज्ञान के विकासात्मक पहलू को लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। जैसा कि टॉपिक से समझ में आ रहा है, बाल मनोविज्ञान यानी कि बच्चों के मनोविज्ञान के विषय पे तुलनात्मक अध्ययन या चर्चा का ये टॉपिक है। ये टॉपिक इसलिए भी शानदार या सुखद तौर पे हमें दिख रहा है क्योंकि हम सब उसी शिक्षण कला के अंग हैं और शिक्षण को प्रभावकारी ढंग से और ज़्यादा असरदार ढंग से प्रस्तुत करने के लिए इस शिक्षण के माध्यम से शायद तैयार हो सके। बाल मनोविज्ञान को समझने के लिए सबसे पहले मनोविज्ञान की समझ होना मेरे समझ से थोड़ा जरूरी हो जाता है। मनोविज्ञान को मानसिक प्रक्रियाओं के अध्ययन या वैज्ञानिक अध्ययन को के रूप में स्वीकारा जाता था। मनोविज्ञान साइकोलॉजी के शब्द के दो अक्षर लैटिन के दो अक्षर सॉरी मनोविज्ञान साइकोलॉजी शब्द से बना हुआ है और ये लैटिन के दो शब्दों के मेल से बना हुआ है, साइकी एंड लोगा। साइकी का तात्पर्य आत्मा से होता है और लोगा शब्द का अंतर विवेचन से यानी कि उसके स्टडी से होता है। तो आत्मा की स्टडी के रूप में इस मनोविज्ञान की शुरुआत। लेकिन अब देखने लायक बात ये है कि क्या हम आत्मा को देख पाते हैं, सुन पाते हैं, समझ पाते हैं? हमारे ख्याल से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो इस बात को या इस तथ्य की पुष्टि कर दे कि हाँ हमने आत्मा को देखा है। तो यही पे इस वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक शुरुआत का खंडन शुरू हो जाता है कि जब हमने आत्मा को देखा ही नहीं तो फिर आत्मा का विज्ञान कैसे? फिर बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने इसे मस्तिष्क या मन मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में बताया। मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में इटली के जो पॉप नाजी थे उन्होंने इसका उल्लेख बहुत अच्छे से किया कि वैसा वैज्ञानिक अध्ययन जो मस्तिष्क के संरचनाओं को प्रस्तुत कर सके, उसका विश्लेषण कर सके और उसके अंतर्गत उनके फायदों को बता सके, ये मनोविज्ञान की श्रेणी में आता है। लेकिन मानसिक संरचनाओं की जटिलता को भी शायद आसानी से समझा नहीं जा सकता। मानसिक संरचनाएं अपने आप में एक जटिल संरचना है, ये साइंस के लोग बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। तो मानसिक संरचना के कारण जो रूपरेखा मनोवैज्ञानिक ने तैयार की उनका भी खंडन कुछ समय बाद हो गया। नेक्स्ट आता है कुछ मनोवैज्ञानिकों ने उन्हें चेतना का विज्ञान कहा। चेतना यानी चेतना के विषय में विलियम वुंड, वाइट, विलियम जेम्स या जेम्स सली के नाम प्रमुख हैं। चेतन जगत यानी कि जो अभी हम हैं, तो चेतना जब हम जागृत अवस्था में रहते हैं तब भी होती है, हम सुप्त अवस्था यानी कि जब हम सोए होते हैं तब भी होती है। लेकिन चेतना को तीन आयामों में विभाजित किया गया, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। तो इन तीनों के विश्लेषण करने के बाद पता चला कि मनुष्य इन तीनों अवस्थाओं में कोई जरूरी नहीं है कि तारतम्य बैठा सके। तीनों अवस्थाओं का तीन स्वरूप हो जाता है। हम अचेतन मन में बहुत वैसी दमित इच्छाओं की पूर्ति कर लेते हैं जो साकार जगत में या सामने में हम रह के नहीं कर सकते। बहुत सारे ऐसे मेरे विचार हैं जो शेयर करने के बावजूद भी हम अपने आप तक ही रख पाते हैं क्योंकि उनका हो सकता है कि बहुत लोगों से खंडन हो जाए या वो सामाजिक तौर पे उनको मान्यता ना मिल सके। तो बहुत सारी इस तरह से दमित इच्छाएं
जाती हैं। तो इस प्रयास को भी विफल कर दिया गया कि चेतन जगत, अर्ध चेतन जगत और अचेतन जगत तीनों का समन्वय वास्तविक लाइफ में संभव नहीं है। और बाद में ये साधारण बोल चाल की भाषा में आ गया। नेक्स्ट आ जाता है मनोविज्ञान व्यवहार एवं अनुभूति का विज्ञान। हमारे भी समझ से ये एक्यूरेट परिभाषा है। आत्मा मन और चेतना के विज्ञान के रूप में मान्यता न मिलने पर 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में जाना जाने लगा। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक वॉटसन ने व्यवहार के विज्ञान को मान्यता दी और लोगों ने भी उसे सराहा और लोगों ने भी उसकी सराहना की। इसका भी ये है कि मनोविज्ञान मन का विज्ञान यानी व्यवहार का विज्ञान, और विज्ञान इसलिए कि कोई भी अनुसंधान जब वैज्ञानिक तरीके से होने के बाद किसी निष्कर्ष पे आती है तो उसको वैज्ञानिकता का प्रमाण पत्र मिल जाता है। तो जब इन्होंने विज्ञान के सहारे जोड़ा, इनको इन्होंने व्यवहार के रूप में दिखाया, यानी हमारा व्यवहार, आपका व्यवहार, हमारे समाज में होने वाले लोग, हमारे साथ के लोग, सबों के व्यवहार के रूप में इस चीज को सफलता मिली। और अंततः मनोविज्ञान व्यवहार के विज्ञान, अनुभूति के विज्ञान के रूप में हमारे सामने आ गया। अनुभूति का विज्ञान, व्यवहार जरूरी नहीं है कि हम अनुभूतियों को, अनुभवों को कलेक्ट करने के बाद हम उनका प्रतिपादन करें। कभी कभी क्या होता है, हमारी अनुभूतियाँ कुछ होती हैं और हम आपके समक्ष कुछ और रूप में प्रस्तुत होते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति का एक मोटो होता है कि हम अपने आप को समाज में एक प्रतिष्ठित रूप में दिखा सकें। तो आत्मसम्मान की भावना की वजह से व्यवहारवाद को ज़्यादा बढ़ावा मिला। आज भी इस पर रिसर्च चल रहा है। व्यवहार के आकलन का ही विषय मनोविज्ञान है। हमारे व्यवहार के आकलन को परिष्कृत रूप से जो दिखाया जाता है समाज में, बहुत सारे व्यवहार की विसंगति भी है और अच्छाइयाँ भी है। विसंगतियाँ को हम अपने दमिक मन में दबा देते हैं। कभी कभी वो विसंगतियाँ परिस्थितिवश सामने दिखाई भी दे जाती हैं, लेकिन अक्सर हम कोशिश करते हैं कि अपनी गलतियों को हम छुपा सकें। तो चेतन और अचेतन मन के बीच में वो दबी रह जाती है। हम आपको कैसे तय करते हैं, जब हम देखते हैं कि आपका व्यवहार हमारे व्यवहार के अकॉर्डिंग अच्छा फील हो रहा है तो हम उसे समझते हैं कि आपका व्यवहार बहुत अच्छा है। जरूरी नहीं है कि मेरा ये आकलन और शिक्षकों का होगा या किसी और आदमियों का होगा, क्योंकि हर का व्यवहार हर के लिए थोड़ा अलग अलग होता है। तो वैज्ञानिकों ने इसके तथ्य की जानकारी के लिए इस चीज़ पर रिसर्च किया कि वास्तव में व्यवहार का विज्ञान ही मनोविज्ञान के ये सफल बनाने की दिशा में अभूतपूर्व कदम साबित होगा। और ये व्यवहार किन चीज से प्रभावित होता है, तो हमारी मानसिक संरचना, हमारा जो कदकाठी विकास है उससे, और साथ में हमारे समाज में जो हमारे साथ होता रहता है होता है उससे प्रभावित होता है। कभी कभी क्या होता है, बहुत मेरिटोरियस हो कहीं गुम हो जाता है। इसका वजह या तो सामाजिक पृष्ठभूमि का कमी होना, पारिवारिक पृष्ठभूमि का साथ ना देना, और जहाँ हम कदम में कदम मिला के साथ चलने की बात कर रहे हैं वहाँ भी उन चीज़ों का अभाव होना के तौर पे देखा जा सकता है। साथ ही एक अहम कारण है किसी भी मानव के थोड़ा सा विसंगति के कारण लिंगीय विभेद भी हमारे समाज में बहुत अच्छे से अभी भी व्याप्त। लाख हम अपने आप को बहुत अच्छा साबित कर ले, अपने आप को बहुत नॉलेज जरूर साबित कर ले, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारी दोहरी मानसिकता है और इसका असर भी हमारे मनोविज्ञान यानी कि हमारे व्यवहार में पड़ता है। हम कहीं कुछ बोलने के नहीं चाहते हैं क्योंकि हमको लगता है कि क्या पता अच्छा कर पाएंगे, नहीं इतना बड़ा समाज है हमें इसकी स्वीकृति मिलेगी कि नहीं। फिर भी मेरा एक अपना ओपिनियन है कि हम पुरुषों और स्त्रियों के भाग दौड़
और विकास कोई भी कर सकता है, पुरुष हो या स्त्री। नेक्स्ट इतिहास, बाल मनोविज्ञान को का इतिहास बहुत पुराना है। हमारे ख्याल से सबों ने अरस्तु का नाम तो जरूर सुना हो। अरस्तु जो कि घुमक्कड़ प्रवृत्ति के दार्शनिक, उन्होंने बच्चों के लिए बहुत सपना देखा था और वो प्रकृति से रिलेट करते थे कि बच्चों की प्रवृत्ति प्रकृति से जुड़ी हुई होनी चाहिए। या कि जैसे प्रकृति को हम दबाव में रखते हैं, दबाते हैं, तो उसका बहुत सारा विनाश हमारे सामने कहीं ना कहीं दिखाई देता है। तो बच्चों को भी बहुत सप्रेस जब हम करते हैं तो उसकी भूमिका या उसका दिशा निर्देश बड़े क्लासों में आप लोगों को नजर आता ही होगा। यहाँ पे काउंसलिंग का भी मुख्य उद्देश्य हो जाता है। काउंसलर का पोस्ट जरूरी नहीं है कि हम काउंसलर के पास ही जाएं। हम और आप कोई भी बच्चों के काउंसलर हेड हो सकते हैं। सबसे पहले इसके लिए हमें अपने परिवार में सुधार की आवश्यकता होती है। परिवार से चूंकि समाज का निर्माण होता है, परिवार में अगर हम अच्छे माता पिता के तौर पर अच्छे काउंसलर की भूमिका निभाते हैं, अपने बच्चों के जीवन शैली में अपना उत्तरदायित्व पूर्ण निर्वहन करते हैं, तो हमारा मानना है कि बच्चे अच्छे ढंग से फलेंगे पूरे। चलिए फिर अरस्तु की बात पे आते हैं। अरस्तु ने बच्चों की प्रवृत्ति को प्रकृति से जोड़ा। बच्चे उन्मुक्त हैं, बच्चे को उन्मुक्त ढंग से मतलब पल्ले बढ़ने देना चाहिए। उन्मुक्तता, उन्मुक्तता का मतलब हो गया सीधा सा स्वच्छंद। जब हम स्वच्छंद हो जाते हैं तो क्या आपको ऐसा लगता है कि दूरगामी में भविष्य में वो स्वच्छता स्वच्छंदता बच्चों के विकास में कहीं बाधा भी डाल सकती है? बाधा डाल सकती है। इसलिए बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने अरस्तु के दर्शन शास्त्र को इनकार कर दिया, क्योंकि अरस्तु स्वच्छंद गति स्वच्छंद नियमों के पालन करता है और वहीं से मनोविज्ञान दर्शन से हटके अपनी अलग शाखा के रूप में तैयार हो गया, जिसे हम पूर्ण मनोविज्ञान की शाखा कह सकते हैं। लेकिन जब मनोविज्ञान की बात आती है तो हम मनोविज्ञान के जरिए समग्र जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत होने वाले विकासों की चर्चा करते हैं, क्योंकि मनोविज्ञान उससे जुड़ा हुआ है। लेकिन मेरा टॉपिक चूंकि बाल मनोविज्ञान के विकासात्मक पहलू है, इसके थोड़ा सा मैं इसको डिफाइन करती हूँ कि ये इसके थोड़ा ताल्लुक कैसे है। जीवन शुरू होने के पहले यानी कि गर्भावस्था से मृत्यु की अवस्था तक मनोविज्ञान की श्रेणी आती है, यानी कि मनोविज्ञान उस पर काम करता है। लेकिन जन्म काल से और 16, 17, 18 तक का एक जो होता है वो बाल्यकाल के रूप में जाना जाता है, उसको भी कई खंडों में विभाजित हम करते हैं। और प्रौढ़ावस्था तक को हम विकासात्मक मनोविज्ञान की श्रेणी में रखते हैं। तो मनोविज्ञान कैसे दर्शन से अलग हो गया? क्योंकि वो उन्मुक्त वातावरण के बाद रिजल्ट क्या आया कि बच्चे बाद में संयमित ना रख पाए। उनके पास जीने के लिए कोई आयाम नहीं था, उनके पास जीविकोपार्जन का भी कोई साधन नहीं था, क्योंकि बच्चे अपनी उम्र में बहुत छोटे होते हैं और उन्हें पता ही नहीं होता है कि हमें आगे क्या करना है और क्या नहीं करना। तो बहुत उन्हें इसीलिए अरस्तु को खारिज किया और व्यवहारवाद की ओर आए। व्यवहारवाद का मतलब ही सीधा हो जाता है कि हम कैसे प्रैक्टिकल होते हैं, कैसे हम समय के अकॉर्डिंग अपने आप को ले चलते। इसका अच्छा प्रभाव हम अपने इंग्लिश के पुस्तकों में देखते हैं कि मौसम के परिवर्तन के अनुसार कैसे हम अपने आप में चेंज लाते हैं। उसी तरह से आयु के परिवर्तन के अनुसार भी हमें अपने आप में चेंज लाना होगा, या वो बालक हो या प्रौढ़ हो, वृद्ध हो, कोई भी हो। तो मनोविज्ञान ने इस दिशा में बहुत सारे काम किए। अब आते हैं बाल मनोविज्ञान। बालकों के मनोविज्ञान को समझना इतना आसान नहीं है, क्योंकि बाल मनोविज्ञान क्या होता है? वहाँ से शुरू होता है जब गर्भ में शिशु आता है। गर्भ में शिशु के आने के दौरान माता के साथ उसका सबसे पहले झुकाव होता है। धीरे धीरे माता उसको बहुत अच्छे से पोषित करती है
और बाद में वो समाज में आता है छोटे से शिशु के रूप में। जब शिशु आता है उस समय उसके पास विकास की कोई क्रियाएं नहीं, वो सिर्फ एक मानव के छोटे रूप में जन्म लेता है, ना उसके पास कोई संवेदनाएं होती है, ना उनके पास कोई संवेग होता है बहुत ज़्यादा, तुरंत तुरंत के हम जन्म शिशु की बात कर रहे हैं, और ना ही कोई बहुत सारी प्रतिक्रियाएं होती हैं। तो बाल मनोविज्ञान के दौरान जब शिशु धीरे 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 वो आगे की ओर बढ़ता है, तो धीरे धीरे उसे पहचानने की क्षमता विकसित होती है। हम वो अपने सराउंडिंग्स में गर्दन को हिलाना शुरू करता है, सबसे पहले मस्तिष्क का विकास होता है, मस्तिष्क से पैर की ओर उसके विकास का ये क्रम चलता है। पहले मस्तिष्क के विकास के दौरान वो इधर उधर हिलाता है, सिर को देखता है कि हमारे सराउंडिंग में क्या है, अपने सबसे करीबी यानी कि मदर को पहचानना शुरू करता है, अपने थोड़े थोड़े फैमिली मेम्बर को हाथ पैर कंधा उचकाना उसके बाद वो सीखता है, और धीरे धीरे हिलते डुलते पैरों तक आता है, फिर बैठने की प्रक्रिया आती है, और फिर धीरे धीरे शिशु उठ के खड़ा होता है, चलता है। एक से दो वर्ष के कालों में इसके पास ना तो शब्द के भंडार होते हैं, ना ही कोई तार्किक अभी चिंतन होता है, और ना ही कोई मानसिक संरचना का कोई बहुत बेहतरीन विकास होता है। 5 से 6 साल के शिशु में विकास की वो प्रक्रिया से वो गुजरता है जिसमें बहुत ज़्यादा अभिभावकों की साथ ही हमारे माता पिता की और हमारे समाज की भूमिका आ जाती है, क्योंकि 5 से 6 साल को हम विद्यालयी काल के रूप में जानते हैं। विद्यालय का काल उनके लिए एकदम नूतन काल होता है, वो अपने आप को नए ढंग से समायोजित करना सीखते हैं। तो एक तरह से एक सेकेंड रूप में हम ये बताएं कि मनोविज्ञान हमें समायोजन की कला सिखाता है, और बाल मनोविज्ञान को पढ़ने के उपरांत हम उस समायोजन को कैसे बालकों के साथ डील करते हैं अपने प्रोफेशन के तौर पे या अपने अभिभावक होने के तौर पे, इसका पता बाल मनोविज्ञान के जरिए हमें लगता है। बाल मनोविज्ञान, जब बच्चा स्कूल आता है तो उसका पहला अपने माँ बाप से अलग जो ट्रेनर होता है उसका टीचर होता है। उस समय वो छोटे छोटे शब्दों को सीख रहा होता है, छोटे छोटे शब्दों से पहले उसे रंगों की पहचान करनी होती है, उसे फिगर्स के माध्यम से अपने दिमाग में यानी कि अपने मस्तिष्क में कुछ रेखा चित्र का निर्माण करना होता है, और उस रेखा चित्र के जरिए वो अपने परिवेश को एक साथ जोड़ता है कि इस रेखा चित्र का क्या असर होता है और रंगों को हम कैसे पहचानते हैं। तो हम लोग शिक्षक भी बहुत अच्छे ढंग से नर्सरी क्लास में बताते हैं, तुम कलर्स नेम बताओ बेटे, कलर्स नेम की चर्चा होती है, बच्चे कलर्स को शो करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि बच्चे उस कलर को पहचाने। तो जब नहीं पहचानते तो टीचर्स उनसे बोलते हैं कि आपके बाल का कलर कैसा है, तो बच्चा निसंदेह अपने बालों से एकदम अवगत रहता है, तो वो बोलता है काला। तो जब वो काला बोलता है तो टीचर उसको उसके साथ जोड़ता है और बोलता है तुम्हारे बाल का रंग काला है यानी कि ये काला हुआ। फिर पूछता है तुम्हारे दांतों का रंग कैसा है, तो वो बोलता है उस समय में तो सफ़ेद। तो सफ़ेद और क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो दूध। तो इस तरह से वास्तविक जगत में उसका परिचय धीरे धीरे शुरू हो जाता है कि रंगों को पहचाने, शब्दों को सीखे, और अपने दोस्तों के साथ एक समूह की भावना का प्रदर्शन करता है। अब बाल मनोविज्ञान को समझने के लिए हमारे पुराने लोगों ने कई अपनी जीवनियों को भी लिख छोड़ा है। हम लोग भी अपने क्लास में तरह तरह के बड़े लोगों का उदाहरण देते हैं, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, राधा कृष्ण ने, लेकिन क्या बच्चे इस उदाहरण को समझ पाते हैं? हर काल का एक निश्चित शब्द का भी चयन होता है। अगर हम छोटे बच्चों को उनको दिखाएं तो
उनकी कहानियों के माध्यम से जरूर उनको उस चीज से अवगत करा सकते। लेकिन वही चीज अगर हम बड़े बच्चों के क्लासरूम में जाते हैं और उनके विषय में बताते हैं, तो चूंकि उस समय उनकी संज्ञानात्मक क्षमता इतनी विकसित हो गई रहती है कि वो चित्रों को देख के उनकी आइडियोलॉजी को भी समझ पाती है और उनके विषय में इंटरेस्ट लेके सुनते भी हैं और अपने से भी कुछ तैयार करते हैं। लेकिन अगर छोटे बच्चों को हम उनकी आइडियोलॉजी समझाते हैं तो बिल्कुल नहीं समझेंगे, क्योंकि छोटे बच्चे अभी शब्दों को सीख रहे होते हैं, चीज़ों को पहचान रहे होते हैं, उन्हें उन्हीं के भाव में उन्हीं के ढंग से प्रकृति से जोड़ के उनके शब्दों के माध्यम से उनके सराउंडिंग्स में जो उनकी भाषा डेवलप हुई है उनके द्वारा हम उनको आगे की ओर अग्रसर कर सकते हैं। एक मनोविज्ञान में टॉपिक आता है काउंसलिंग, जिसका शायद अर्थ होता है निर्देशन। निर्देशन की भूमिका अक्सर आजकल इस नए युग में बहुत तेजी से फैली है कि निर्देशन, चलो मेरा बच्चा थोड़ा बिगड़ रहा है तो इसको इस काउंसलर के पास ले चलते हैं ताकि उसे अच्छा गाइडलाइन मिल सके। तो क्या हम वहाँ पर एक मिनट रुक के अपने आप में सोचने का ये विषय नहीं है कि हम अभिभावक या हम शिक्षक या हमारे समाज के आसपास के लोग कहाँ गलती कर बैठे कि हम लोग को काउंसलर की आवश्यकता पड़ती है। हम मानते हैं कि काउंसलर एक वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा सीख के वैज्ञानिक विश्लेषण करके उस पोस्ट को प्राप्त किया है, तो निसंदेह वो हमारे बच्चों में कुछ सुधार जरूर करेगा। लेकिन क्या हम अभिभावकों का नेक्स्ट जो टीचर भी अभिभावक ही होते हैं स्कूल के लिए, हम लोगों का क्या फर्ज नहीं है तो उनको सही दिशा दें, उनको उनके नैतिक मूल्यों से अवगत कराएं, जो कि संभवतः हमारे समाज में खास की। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सब कुछ है और इसका कहीं ना कहीं आईटी सेक्टर भी इसका कारण रहा। आईटी सेक्टर की तारीफ जहां हर समय, आज हम उसी सेक्टर के माध्यम से अपने आप को दूसरे तक पहुंचाने का काम जरूर कर रहे हैं, लेकिन आईटी सेक्टर भी कहीं ना कहीं इसके दुष्प्रभाव का जन्मदाता है। हमारे समझ, हम ये नहीं कह रहे हैं कि इस टॉपिक से सब कोई सहमत नहीं, क्योंकि जब बच्चों की परवरिश, मेरा टॉपिक है बाल मनो, बच्चों की परवरिश की बात आती है तो शब्दों के चयन का हो जाता है सबसे पहला सवाल, उनके पहचानने की क्षमता, उनकी रुचियाँ, उनकी अभिरुचियाँ, उनके पोषण, उनके स्वास्थ्य, ये सब की जिम्मेदारी हम अभिभावक की ही होती है, जो कि एक काउंसलर सुव्यवस्थित वैज्ञानिक ढंग से जरूर करता है। तो हमारा भी तो फर्ज बनता है कि उस वैज्ञानिक तरीकों को अपने रिसर्च के द्वारा, अपने आत्म अवलोकन के द्वारा कुछ कदम हम भी बढ़ा पाए। मैं तो अपने बच्चों को अपने क्लास में थोड़ा सा नैतिक मूल्यों के साथ ले चलती हूँ। ऐसा मैं नहीं कह रही कि बाकी टीचर बाकी भी सबको अपना मैक्सिमम देते हैं। जैसे बच्चे लंच करते हैं तो मैं उससे बोलती हूँ कि आप गॉड से प्रे कीजिए, ऐसा कोई फोर्स नहीं है कि आप हाथ जोड़ के कीजिए, क्योंकि हमारे क्लास में विभिन्न धर्मों के मानने वाले बच्चे होते हैं तो उनके भी सांस्कृतिक माहौल का हमको ख्याल करना होता है। तो मैं ऐसा बोलती हूँ कि बाबू आप लोग क्या कीजिए, गॉड से प्रे कीजिए, आपका गॉड जो हो आप उसको जिस तरह से सजदा करना चाहते हैं आप उनको शुक्रिया अदा कीजिए कि आज का ये भोजन हमको प्राप्त हो रहा है आपकी कृपा से, आगे भी आप हमारा साथ बनाए रखिए, और 5 मिनट के लिए जरूर हम हाथ जोड़ के उनको कराते हैं। मैं नहीं समझ पाती कि इस प्रयास से बच्चों में कुछ सुधार होगा या नहीं, ये हम नहीं कह रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम के टाइमिंग में भी हम 5 मिनट उनको बोर्ड से जुड़ने के लिए कहते हैं। इसके लिए इसमें नहीं कहते हैं कि आप धार्मिक हो जाए, हमारा कनेक्शन कहीं ना कहीं ऐसा होना चाहिए ताकि हम उससे गाइडलाइन प्राप्त कर सकें। जरूरी नहीं है कि हमारे आसपास के लोग हमको प्रभावित कर सकें, और उस प्रभाव को डालने के लिए कुछ ऐसी अदृश्य शक्तियाँ जिन्हें हम भगवान के रूप में जानते हैं उनको उनकी ओर ले चलना, बच्चे आसानी से उसको समझेंगे क्योंकि वो भगवान की कल्पना कर पाते हैं, क्योंकि दिन रात अपने घर के माहौल में वो पूजा की
अगर हमारे क्लास में 30 बच्चे हैं, 300 बच्चों की जिम्मेदारी हम पे होती है कि हम अब तो मार्क्स उनको बनाएं, 100 में 100 कर दें, लेकिन शायद सर किसी भी टीचर के लिए संभव नहीं, क्योंकि हम डिफरेंट सामाजिक पृष्ठभूमि के बच्चों को डील करते हैं, डिफरेंट लैंग्वेज के बच्चे को डील करते हैं, डिफरेंट मानसिक क्षमताओं वाले बच्चे को डील करते हैं, तो ये मुश्किल हो जाता है कि कौन सा चीज़ किस चीज़ पे इम्प्लीमेंट हो सकता है। तो मेरा मानना है कि हम अपने नज़रिए से यानी कि निरीक्षण विधि के द्वारा हम उनको ऑब्जर्व करते हैं कि हम कैसे बच्चे को कैटेगराइज करते हैं, और हम उनको कई श्रेणियों में बांटते हैं, मंद बुद्धि, औसत बुद्धि और तीव्र बुद्धि के लिए। तीव्र बुद्धि के बच्चे अक्सर आप क्लास में देखिएगा, आपका टॉपिक छोटा होगा क्योंकि छोटे बच्चे को हमको पढ़ाना है, तो कुछ बच्चे फटाफट बोर्ड खत्म हुआ और आपका काम खत्म, उसी में कुछ बच्चे पूरे 40 मिनट्स को कुछ भी नहीं कर पाते, तो अक्सर वो बच्चे बाजी मारने जाते हैं, उसके बाद वो शरारत की और उन्मुख हो जाते हैं। तो हमको क्लास को मैनेज भी करना है और बच्चों को आगे भी बढ़ाना है, तो उसके साथ साथ हम कुछ एक्टिविटीज़ भी करने के लिए उनको देते हैं ताकि उनकी और प्रतिभा निकल के आए, और जो मध्यम है, जो मंद बुद्धि है या जो सुस्त है, वो उस समय के अनुकूल अपने कार्यों को पूरा कर सकते। सुस्त और मंद बुद्धि के बच्चों का हम ये नहीं कह रहे हैं कि कुछ उसमें गॉड गिफ्टेड तो होता ही है, गॉड गिफ्टेड बालक भी होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मेरी सामाजिक पृष्ठभूमि बहुत मायने रखती है, समाज का दायरा बहुत मायने रखता है कि हमारे बच्चे क्यों इस तरह से आगे नहीं आ पा रहे हैं। हम अक्सर देखते हैं कि हम खुद ही अपने मूल्यों से कटते हैं और हम मूल्यों की बात करते नजर आते हैं, तो जब वो हमारी इस बात को अपने आप से कोरिलेट करके देखता है तो वहाँ पे, चूँकि उस समय वो छवि बना रहा होता है, एक आदर्श की छवि बनाता है, बच्चा क्या होता है, अनुकरण करता है, आदर्श छवि के रूप में हमको देख रहा होता है, अपने टीचर को देख रहा होता है, तो जब वो ऐसा छवि बना रहा होता है तो उस समय उनको ये मुश्किल हालातों का सामना करना पड़ता है कि हम अपने छवि के अकॉर्डिंग अपने आप को स्थापित करें, या हम अपने टीचर्स के अनुसार अपने आप को करें, या फिर मेरे जो अभिभावक हैं उनके अनुसार अपने आप को कोरिलेट करें। इस तरह से बच्चों के ऑब्जर्वेशन के लिए कई प्रयोग होते रहे हैं, कई की जीवनियों को दर्शाया गया है, बच्चों को प्रश्नावली विधि के माध्यम से भी हम आगे ला सकते हैं, कुछ प्रश्नों को दे के, कलर भरने की प्रश्न हो, या पेड़ों को पहचानना हो, या रंगों को पहचानना हो, आकृतियों को पहचानना हो, इस टाइप की प्रश्नावली विधि के द्वारा भी हम बच्चों को ऑब्जर्व कर सकते हैं, और उस निरीक्षण विधि के द्वारा हम अपने क्लास को भी अच्छे बनाएंगे और बच्चा को भी एक दिशा प्रदान कर सकते हैं। ये बाल मनोविज्ञान के द्वारा हम सीख सकते हैं, बाल मनोविज्ञान की विधियों के द्वारा हम बाल व्यवहार के बहुत सारी चीज़ों को सीख सकते हैं, और हम खुद भी उनके काउंसलर होकर उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं। एक मिनट, बच्चों के मनोविज्ञान को समझने के लिए मनोविज्ञान का विशेषज्ञ होना जरूरी है, या सामान्य शिक्षण से भी हम किसी बच्चे के मनोविज्ञान को समझ सकते हैं? काउंसलिंग इसलिए भी जरूरी है सर, और विश्लेषक का होना इसलिए जरूरी है कि उन्होंने अपने बहुत सारे प्रयोगों और वैज्ञानिक ढंग का उपयोग किया है, और तब जाके उस पोस्ट को ग्रहण किया, तो निसंदेह हमारे और आपके तरीकों से थोड़ा उनका तरीका जरूर अलग होगा। उसी की तो बात मैंने की है कि हम शिक्षक, हम अभिभावक भी थोड़ा बहुत उस तरफ कदम बढ़ा के और उसकी श्रेणी में आ सकते हैं, तो शायद आगे के समय में उसकी जरूरत ना पड़े। अब आते हैं हम विकासात्मक मनोविज्ञान की।
स्टेनली हॉल जीएम प्याजे एवं अन्ना फ्रायड ने बाल मनोवैज्ञानिकों की सामान्य धारणा की। बालकों के मनोभाव पर परिवेश का महत्वपूर्ण और निर्णायक प्रभाव बताया है। बच्चे विचारों से कहीं ज्यादा आचार से प्रभावित होते हैं। आचार का मतलब हमारे परिवेश की भौतिक स्थितियों से। अभी अभी शायद थोड़ी शब्दों में मैंने थोड़ा सा इसका वर्णन भी किया था कि बच्चे जो आइडियोलॉजी बनाते हैं वो हम खुद को देख के बनाते हैं, ना कि राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल और गांधी जी, क्योंकि उस तक उनकी मानसिक संरचना नहीं पहुंच पाती। उनके संदेहों का विकास शैशवावस्था के समय धीरे धीरे होता रहता है। 5-6 वर्ष की अवस्था में वो अभी रेखा चित्र के माध्यम से सीख रहे होते हैं, शब्दों को सीख रहे होते हैं, कलर्स को पहचान रहे होते हैं। तो उसमें इन जटिलताओं भरे चीज़ों को समझाना बच्चे के मानसिक विकास के साथ उनका तारतम्य कम करता है। तो मानसिक विकास के साथ को रिलेट करने के लिए उनकी उम्र का ध्यान रखना बहुत जरूरी हो जाता है कि हम कौन सा चीज़ चयन करें तो उनके मानसिक विकास में सहायक भी हो और उनकी अभिवृत्तियों को सामने आने में मददगार भी हो। अभिवृत्तियाँ जैसे क्रोध, लालच, ईर्ष्या, शेयरिंग, केयरिंग, खुश होना, दुख होना, क्रोध करना, ये सब हमारी अभिवृत्तियों में आता है। ये हम में भी है, आप में भी है और सारे लोगों में। बच्चे छोटे होते हैं तो उनका वो उसको निरूपित नहीं कर पाते हैं कि कहाँ हमको किस चीज़ को प्रकट करना है और किस चीज़ को नहीं प्रकट करना है। बच्चों की मानसिक संरचना अभी थोड़ी धीमे धीमे चलती है, विकास होता रहता है, उत्तरोत्तर विकास है, क्योंकि जब गर्भ में शिशु आ गया उस समय से मृत्यु तक बच्चों का निरंतर विकास होता रहता है। वही हम विकासात्मक मनोविज्ञान में पढ़ते हैं, लेकिन जब हम बाल मनोविज्ञान को जब समझते हैं तो विकासात्मक मनोविज्ञान से बाल मनोविज्ञान थोड़ा इसलिए अलग हो जाता है क्योंकि हम जन्म से लेके उसके 17-18-19 साल की अवस्था का ही अध्ययन करते हैं। 17-18-19 साल की अवस्था जिसे हम किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था का अध्ययन हम विकासात्मक मनोविज्ञान की ही श्रेणी में रखते हैं। पूरा ये विकासात्मक हो, शिक्षा हो या मनोविज्ञान हो, ये जितना है नैदानिक मनोविज्ञान हो, शिक्षा मनोविज्ञान हो, यानी मनोविज्ञान का जितना क्षेत्र आता है वो विकासात्मक मनोविज्ञान की ही श्रेणी में हमारे समझ से आता है, क्योंकि मनोविज्ञान इन सब चीज़ों का अध्ययन करता है और विकासात्मक मनोविज्ञान विकास की श्रेणियों का अध्ययन करता है। विकास हमारे जन्म से मरण की अवस्थाओं के बीच का होता है। विकास हमारे शरीर का होता है, हमारे मानसिक रुचियों का होता है, हमारे कद काठी का होता है, हमारे सामाजिक परिवेश से उत्पन्न परिस्थितियों का होता है। हम अपने अनुभूतियों के माध्यम से जो संग्रहण अपने दिमाग में कर पाते हैं उस काल में हम बाल काल को हम नहीं ले सकते हैं। शैशवावस्था के काल को हम उसमें डिफाइन नहीं कर सकते, उसको हम किशोरावस्था की ओर ले जाते हैं। जब हम धीरे धीरे अपने आप को समझने लगते हैं कि हम भी कुछ, मेरा भी कोई आइडियोलॉजी है, हम भी अपने आप को समाज के साथ कोरिलेट कर लेते हैं, उस समय हमारे अपना स्थिति कुछ और रहता है। बचपन में इन सब चीज़ों की समझ नहीं होती है। बचपन में क्या होता है, हम उन्मुक्त हैं, हम खूब खेल रहे हैं, हमारे पास कोई टाइमिंग का ख्याल नहीं है, कुछ भी नहीं है। और बड़े जब हम होते हैं तो ये सब आत्मसम्मान की भावना, इन सब चीज़ों की भावना का विकास धीरे धीरे होने लगता है। और साथ में जो परिवेश है, परिवेश कैसे हमें प्रभावित करता है, हमारे समाज में, और हम लोग अभी उतनी एडवांस नहीं हुए किस चीज़ को नहीं समझ सकते। हमारे परिवेश में विभिन्न पृष्ठभूमियों से लोग आते हैं। किसी के घर का बहुत ही इंटेलेक्चुअल माहौल होता है, जहाँ बहुत अच्छे से अभिभावक बच्चों का संबंध बिल्कुल फ्रेंडली होता है। बहुत घर अभी भी वैसे हैं जो पुरानी रूढ़ियों के साथ अपने बच्चों को लेके चलते हैं। तो स्वाभाविक बात है सर, हम चले हैं बहुत और हमें कहा जा रहा है कि वहाँ से 1 सेकेंड में पीछे की ओर आ गई है। तो इसके साथ बच्चा अपना अंदर संबंध
पढ़ने पर ध्यान दो, साइंस पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, मैथ्स पढ़ो, हिंदी पढ़ो, इससे तुम जीविकापार्जन में अपने आप को डेवलप कर सकते हो। लेकिन संयोग से आईटी सेक्टर भी अपना एक खुला ब्रांच हो गया है, इससे भी हम जीविकापार्जन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन जब हम लोगों का समय था उस समय की, मतलब उस समय की सोच को थोड़ा सा ध्यान रखे हैं कि हम लोगों के समय में जब हम अपने पापा से बोले कि पापा जरा हमको कंप्यूटर सिखा दो, तो वो बोले कि कैसा कंप्यूटर, कंप्यूटर आएगा और जाएगा, तुम पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई के चलते तुम लाइफ में कुछ बन सकती हो, कर सकती हो, लेकिन कंप्यूटर क्या, कंप्यूटर कभी आदमी की जगह नहीं ले सकता, ये बहुत पहले की बात है। लेकिन आज के दौर में जब हम उस चीज़ को हम अवलोकन करते हैं तो हमें दिखता है कि कहीं ना कहीं वहाँ पे हमारे गार्जियंस ने हमारे भी पेरेंटिंग में कहीं ना कहीं कुछ चूक कर दी, जिसका खामियाजा हम आज यहाँ पे उठा रहे हैं। बच्चे विचारों से कहीं ज़्यादा आचारों से प्रभावित होते हैं। इसका तात्पर्य हमारे ख्याल से यही होता है कि हम जो विचार प्रदर्शित करते हैं उनसे ज़्यादा बेहतर अच्छा होता है कि हम उनको करके दिखाएं, तभी वो हमारे फॉलोअर बनेंगे। हम जाएं और कुछ भी भाषण दे के क्लास में चले आते हैं तो बच्चे जब उसको हमारे साथ जोड़ के देखते हैं तो उनको उनके साथ उनका कोई संबंध नहीं दिखाई देता है, तो बच्चे हमसे भटकना शुरू कर देते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे के आइडियोलॉजी हमारे शिक्षक ही गन होते हैं। किसी भी बच्चे से आप पूछ लीजिए तो कोई ना कोई बच्चा आपने किसी न किसी शिक्षक का नाम ले रहा है। तो काउंसलिंग के लिए भी ये जरूरी होता है कि हम शिक्षक अपने में सुधार करके और स्कूल में भी संभवतः ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी आए कि काउंसलिंग को थोड़ा मस्ट कर दिया जाए टीचरों के लिए भी। जब हम टीचर हैं, कहीं काम कर रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं अपने घर के अभिभावक भी हैं, तो जब हम यहाँ काउंसलिंग के वैज्ञानिक तरीकों से अवगत होंगे तो कहीं ना कहीं 100% नहीं लेकिन 50% तो उसको अपने घर में इम्प्लीमेंट कर ही सकते हैं। इसलिए बाल मनोविज्ञान इस चीज़ की भी अवधारणाओं की पुष्टि करता है कि हम कदम से कदम तो मिलाएं ही, अपने बढ़ते कदम को, अपने नवीनता को, नूतन चीज़ों को उनके साथ जोड़े रखें। क्या हम लोग 17-18 साल की अवस्था को भी बाल्यावस्था कह सकते हैं? हम
बाल्य अवस्था 17-18 साल की है। अब देखिए एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए मैम। हमने अभी अभी आपको बताया आपके क्वेश्चन के अनुकूल कि शैशवावस्था जन्म से 5 या 6 वर्ष तक ही होती है, उसके बाद से बाल्य काल आता है जो कि 6, 11 या 12 वर्ष तक का होता है। और हमने बताया कि 12 वर्ष से 18 वर्ष तक में ही आपको काउंसलिंग की जरूरत पड़ती होती है, ये भी मैं बता दूँ, क्योंकि ये किशोरावस्था का काल कहा जाता है और ये द्वंद का काल है, ये मानसिक उद्वेगों का काल है, ये झंझावातों का काल है। इस चीज़ से आप अच्छे से गुजरे होंगे, आप अच्छे से गुजरे होंगे, आपको कुछ अच्छे से गाइड नहीं किया होगा, नहीं तो आपके शब्दों की जो अभिव्यक्ति होती कुछ और होती शिक्षक के तौर पर। हमारे ख्याल से हम ये आपको ये नहीं कर रहे हैं। प्रौढ़ावस्था को हम विकासात्मक मनोविज्ञान के तौर पर देख सकते हैं। किशोरावस्था में हम काउंसलिंग की आवश्यकता होती है, क्योंकि सही बात है ये बहुत ज्वन से है। इसमें हम अपनी एक रचना सुनाते हैं, किशोरावस्था तो उससे में क्या द्वंद रहता है, एक अजीब सी उलझन है सिद्धांत और आदर्श की। जबकि जिंदगी इनसे पड़े ना सिद्धांत है हकीकत ना आदर्श है सच्चाई, ना सिद्धांत है हकीकत ना आदर्श है सच्चाई। फिर भी लंबा व्याख्यान है इन दो शब्दों पर, उनकी बातें अपनी बातें सभी तो एक जैसी हैं, उनकी बातें अपनी बातें सभी तो एक जैसी हैं, फिर भी न जाने क्यों ये गुमा होता है कि हर व्यक्ति एक आदर्श है और हर शख्सियत एक सच्चाई। इसके कहने का तात्पर्य सब ये है कि हम अपने आदर्श देख के जरूर फिक्स करते हैं, लेकिन हम किस परिस्थितियों में किस ढंग से अपने आप को समायोजन की ओर ले चलते हैं, अपने आप को समायोजित करते हैं, ये बहुत मायने रखता है। तो जब हम भी ग्रेजुएशन में थे तो हमारे पास भी बहुत तूफान था, मुझे भी लगता था कि मैं आसमान में भी छेद कर सकती हूँ, लेकिन शायद सामाजिक ढांचा के अंतर्गत ऐसा संभव नहीं हुआ। तो मैंने यही होता है दमित इच्छाएं, तो हमने अपनी दमित इच्छाओं को कविता के रूप में लिया है और आज संयोग से आपके प्रश्न से हमको उसको बताने का मौका मिला। मैं कुछ कहना चाहूँगा मैडम, मुझे इजाजत है कि हम यस सर। मित्रों आज का जो विषय है जिस पर मैडम लगातार चर्चा कर रही है बहुत ही खूबसूरत चर्चा है, जिससे हम लोगों को काफ़ी लाभ मिल रहा है। और बाल मनोविज्ञान की जो अवस्थाएँ हैं और उस अवस्था और जिस अवस्था में हम हैं उसके तहत हमें बेशक वहाँ कहीं पहुँचना है जो बाल मनोविज्ञान है। हम अब इस अवस्था में आ गए, जो हमारी अंतिम अवस्था है, तो हम अंतिम अवस्था से पहली अवस्था में पहुँचने की कोशिश करने की बजाय हम अंतिम अवस्था की तरह आचरण करें, जैसा कि मैडम ने पहले ही बताया कि हमारा आचरण जैसा परिलक्षित होता है वैसा ही हम दूसरों को संदेश भी देते हैं। मुझे याद है और मैं दो तीन चीज़ें बताता हूँ जो बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान को सीधे तौर पर जोड़ती है। धनंजय सर जानते हैं हिंदी में जैनेन्द्र कुमार को बाल मनोविज्ञान का ही कथाकार कहा जाता है और वो उनकी बड़ी प्रसिद्ध रचनाएँ हैं खेल, इसको सब जानते हैं। दूसरी उनकी एक रचना है जो है पाजेब भी उनकी एक कहानी है। उस कहानी में उन्होंने बताया है कि दो चरित्र हैं, बच्ची है मुन्नी, उसका भाई है आशुतोष। मुन्नी कहीं पड़ोस में जाती है और एक पाजेब देख कर मचल जाती है, उसे पाजेब की जरूरत होती है, वो घर पर जिद कर बैठती है, रोने लगती है, जो 3 दिनों के लगातार प्रयास के बाद भी वह नहीं मानती है। तभी घर में अचानक बुआ आती है और बुआ उसे पाजेब दिलाने का आश्वासन देती है। 2 दिनों बाद बाजार से लाकर उसे पाजेब दे देती है। मुन्नी काफ़ी खुश होती है, पाजेब पहनती है, मोहल्ले में घूमाती है, देखती है और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। लेकिन शाम होते होते मुन्नी पाजेब को उतार देती है, क्योंकि पाजेब पाने की उसकी पूरी खुशी खत्म हो गई रहती है। पाजेब उतार कर अगले दिन मुन्नी भूल जाती है पाजेब। कुछ दिनों बाद उसका भाई आशुतोष जाता है और वह साइकिल देखता है, वह साइकिल की जिद करता है। बुआ फिर कहती है कि अगली यात्रा में मैं आऊँगी तो साइकिल खरीदूँगा। लेकिन इसी दौरान संयोग से एक दिन पाजेब खो जाता है। आज जब पाजेब खोजने की कोशिश करती है पाजेब कहीं नहीं मिलता,
और तब मुन्नी से पूछा जाता है तो मुन्नी के पास जबकि बाल बहुत पहले ही भूल चुकी होती है और पिता का और माँ का दोनों का शक आशुतोष पर जाता है कि इसने ही साइबिंग की जिद की थी, शायद बाजे को इसने ही कहीं इधर उधर किया होगा। सबसे पहले उस पतंग वाले से पूछा जाता है क्योंकि आशुतोष को सबसे ज़्यादा पतंगे पसंद है, तो उस दुकानदार से पूछा जाता है कहीं पाजेब देकर इसने पतंग तो नहीं ले लिया। फिर उसका एक दोस्त छुन्नू है उससे पूछा जाता है और आशुतोष माँ पिता की पिटाई के डर से हर बार एक नया नाम लेता है, मैंने उसको दिया है हर बार एक नया नाम लेता है केवल इसलिए कि माँ पिता बहुत नाराज हैं, उसको लगातार पिटने का डर दिखा रहे हैं और वह माँ पिता से सच बता ही नहीं पा रहा है कि पाजेब मैंने लिया ही नहीं, और माँ पिता के रौद्र रूप को देखकर लगातार झूठ बोलते जा रहा है, लगातार झूठ बोलते जा रहा है, माँ पिता भी उसको समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। संयोग से दो दिनों बाद बुआ आती है और यह कहते हुए पाजेब को लौटाती है कि मेरे कपड़ों की पह में पाजेब मेरे ही साथ चला है। और यहाँ पर कथाकार ये बताते हैं कि माँ पिता ने उस बच्चे के मनोविज्ञान को समझने की कोशिश ही नहीं की और लगातार उस पर प्रताड़ित उसको करते रहे और नतीजा हुआ कि बाल मनोविज्ञान जो हमें समझने की जरूरत है हम नहीं समझ पाए। एक दूसरी कहानी, उससे भी छोटी कहानी से इसको समझिए। कहानी का शीर्षक है चिमटा। छोटा बच्चा घर में है, माँ किचन में खाना बना रही है और पिताजी घर ऑफिस से आए हैं और कुछ काम ऑफिस का कर रहे हैं। बच्चा बार बार चिमटा बजा रहा है, चिमटा बजा रहा है, चिमटे की खनखन की आवाज आ रही है। माँ कहती है कि चिमटा मत बजाओ, चिमटा बजाने से घर में कलह होता है। पिता थोड़ी देर बाद कहते हैं बजाने दो, मेरे ऑफिस के पीपी से कम अच्छा तो है कि चिमटा की आवाज़ गूंज रही है। तो माँ किचन से ही कहती है आप फूल करते हैं, मैंने चिमटा बजाने से मना किया तो आपको खराब नहीं लग रहा है, और आपकी माँ कहती है कि तीन बार चावल धोकर पकाने से चावल भगवान का हो जाता है, वह चावल नहीं खाना जा चाहिए। उस समय तो आप अपनी माँ की बात की मान लेते हैं और मेरी बात को आप नहीं मानते हैं। तो पिता कहते हैं मेरी माँ को बीच में क्यों ला रही हो, इसमें माँ का क्या मतलब है, तुम अपने माँ को देखो मेरी माँ को क्यों देखती हो। माँ तब कहती है आप ऐसे ही आकर के मुझे रोज डांटते हैं ऑफिस से और बच्चे की बात सुन करके मुझे डांटने लगते हैं। तो फिर पिता कहते हैं और तुम ज़्यादा मत बोलो, मेरे ऑफिस का काम डिस्टर्ब हो रहा है, और दोनों में वार्तालाप शुरू हो जाता है और वह वार्तालाप रोष में आक्रोश में बदल जाता है। बच्चा धीरे से वहाँ से निकलता है और दादाजी से जाकर कहता है दादाजी मैं समझ गया चिमटा से कोला होता है। ये जो मनोविज्ञान है बच्चे ने जो समझा कि वाकई चिमटा से ही कोला हुआ है, माने ठीक ही कहा था, उसको उस रूप में प्रस्तुत किया गया। मनोज जी बहते हैं एक अंग्रेजी के बहुत अच्छे कवि हैं स्टीफन स्टाइनबर्ग, उनकी कविता एलिमेंट्री में पढ़नी है यानी एलिमेंट्री स्कूल में स्टीफन स्टाइनबर्ग बताते हैं जो मैडम ने पहले बताया कि परिवेशीय अध्ययन कितना मायने रखता है। उसमें एक ऐसे प्राथमिक स्कूल का वे वर्णन करते हैं जो स्लम एरिया में, अब आप इमेजिन करिए उन्होंने एकदम डायनेमिक डिस्क्रिप्शन दिया है उसमें कि एक क्लासरूम है उसमें एक टीम बल्ब जल रहा है, बल्ब जल रहा है लेकिन उसकी रोशनी टीम है मध्यम है और बड़ा अच्छा वो बड़े खूबसूरत सारे शब्दों का इस्तेमाल किया हुआ है। एक विद्यार्थी बैठा है इज लुकिंग लाइक ए पेपर स्लिपिंग बॉय, पेपर स्लिपिंग वर्ड उन्होंने यूज किया कागज की तरह दुर्लभ। एक स्वेट लड़की बैठी है स्पैरल्स आई आंखों को गिलहरी की आंखों की तरह उसकी आंखें। एक लड़का बैठा है ही इज कैरिंग द स्मॉलिंग डिजीजेज ऑफ हिज फैमिली, परिवार से जो बीमारी आई है उस बीमारी को ढो रहा है क्लासरूम में बैठा। और दीवारें बिल्कुल फेंच हैं और लाइट बल्ब जो है डीम हॉल में नहीं, आप इमेजिन करें दीवारों पर शेक्सपियर का एक खूबसूरत तस्वीर टंगा हुआ है। शेक्सपियर की तस्वीर को आप देखेंगे बड़े अच्छे कपड़ों में दिखते हैं, शेक्सपियर की पर्सनैलिटी और तस्वीर का तस्वीर बहुत खूबसूरत कपड़ों के साथ आता है यहाँ। और एक मैप टंगा हुआ है वहाँ और दीवार की जो दीवार कहीं कहीं से छोड़ गया है उस दीवार को ढकने के लिए बड़ी सी पेंटिंग लगाई गई है जिसमें बहुत ऊँची ऊँची बिल्डिंग्स हैं। स्पेंडर आप पूछते हैं इज दिस द प्रॉपर एग्जाम्पल इज द स्टूडेंट्स ऑफ स्लम एरिया, क्या स्लम एरिया के बच्चों को पढ़ाने के लिए परफेक्ट
क्लासरूम है, स्टूडेंट्स हु हैव नेवर सीन इन देयर लाइफ सच टाइप ऑफ बिल्डिंग्स, दे हैव इवन नेवर इमेजिन अबाउट द सच टाइप्स ऑफ बिल्डिंग, यू आर हैविंग सच टाइप ऑफ बिल्डिंग एंड टेलिंग अस दिस इज द वर्ल्ड। इन्होंने अपनी जिंदगी में कभी ऐसी बिल्डिंग देखा ही नहीं, आप उनके क्लासरूम में ऐसी तस्वीरें टांग रहे हैं जिनकी दुनिया ही शुरू होती है फ्रॉम द नैरो स्ट्रीट। उनको आप दिखाते हैं कि इतने खूबसूरत शहर होते हैं, इतने खूबसूरत कपड़ों वाले लोग होते हैं, और फ्रॉम डीप क्लास नैरो स्ट्रीट में जिनकी जिंदगी खत्म हो जाती है उनको आप ये क्लासरूम दिखाकर क्या बताना चाहते हैं। वहाँ क्लियर दिखते हैं कि ऑल दीज आर द बैड एग्जाम्पल्स फॉर द स्टूडेंट्स। वे तो यहां तक लिख डालते हैं अपनी पोएट्री में कि यू आर ट्राइंग टू मेक द स्टूडेंट्स क्रिमिनल बिकॉज आफ्टर लुकिंग सच टाइप ऑफ थिंग्स दे विल ट्राई टू गेट ऑल दोस थिंग्स एंड व्हेन दे विल नॉट फाइंड दोस थिंग्स दे विल बिकम द क्रिमिनल दे विल मेक थेफ्ट। वे चोरी करेंगे उन चीजों को पाने के लिए जो क्लास दे रहा है। तो एग्जाम्पल्स भी बाल मनोविज्ञान पर बड़ा गहरा असर करता है। स्पिंडर की कविता क्लियर बन गई है और ये भावनात्मक कविता के साथ हम अपनी बात को पूरी करेंगे क्योंकि मैडम का सत्र बहुत ही अच्छा चल रहा है। तो ये कविता सुनिए, आप सबने सुनी होगी, सुनाना इसलिए जरूरी समझता हूँ ताकि आप लोगों को लगे कि हमारे साहित्य में सब कुछ भरा हुआ है, हमारे लिटरेचर में सब कुछ है, हमें बस उसके साथ रिलेट करने की जरूरत है। बालकृष्ण राव की कविता हमने सबने तो जरूर पढ़ी होगी, माँ क्या होगा उसके सबने पढ़ी। मैं दोबारा सुना रहा हूँ क्योंकि अब आप इस कविता को ज्यादा इंजॉय करेंगे, तब आप विद्यार्थी की हैसियत से पढ़ेंगे। फिर क्या होगा उसके बाद, उत्सुक होकर शिशु ने पूछा माँ क्या होगा उसके बाद। रवि से उज्ज्वल शशि से सुंदर नव पिछले दल से कोमल तर वधु तुम्हारी घर आएगी विवाह सौ के बाद। ये माँ का मतलब पलभर मुख पर स्मित रेख, बच्चे के मुख पर मुस्कान कह पल भर मुख पर स्मित रेखा खेल गई फिर माँ ने देखा। पल भर मुख पर स्मित रेखा खेल गई फिर माँ ने देखा उत्सुक हो हुआ फिर कह उठा फिर क्या होगा उसके बाद। फिर नभ के नक्षत्र मनोहर स्वर्ग लोक से उतर उतर कर तेरे शिशु बनने को मेरे घर आएंगे उसके। माँ ने कहा कि नक्षत्र की तरह तारों की तरह सुंदर सुंदर बच्चे तुम्हारी शादी के बाद मेरे घर में आएंगे। बच्चे का कौतूहल और बाल मनोविज्ञान देखिए जिसे बाल विज्ञान प्रकट किया है। मेरे नए खिलौने लेकर चले न जाएंगे अपने घर, मेरे नए खिलौने लेकर चले न जाएंगे वे अपने घर। चिंतित होकर उठा किंतु फिर पूछा शिशु ने माँ उसके बाद, फिर बच्चे के कौतूहल माँ उसके बाद क्या होगा। अब माता जी डूब चुका था, हर्ष श्रांति में डूब चुका था, श्रांति मतलब कटा। अब माता जी डूब चुका था, हर्ष श्रांति में डूब चुका था। बोली फिर मैं बूढ़ी होकर मर जाऊंगी उसके बाद, बोली फिर मैं बूढ़ी होकर मर जाऊंगी उसके बाद। यह सुनकर घर आए लोचन, यह सुनकर भर आए लोचन किंतु पहुंच कर उन्हें उसी क्षण सहज कुतूहल से फिर शिशु ने पूछा माँ क्या होगा उसके बाद। किंतु सहज हो उसी क्षण शिशु ने पूछा माँ क्या होगा उसके बाद। और अब कवि कहता है हमने, कवि को बालक ने सिखलाया सुख दुख है पल भर की माया, है अनंत यह तब तो प्रश्न यह क्या होगा उसके। जो मैंने कहा कि पाजेब में मुन्नी क्षणिक सुख लेती है पाजेब को पाने के बाद और फिर शाम होते होते भूल जाते हैं क्योंकि बच्चों का स्वभाव ही भूलना है। माँ डांटती है बच्चे को 11 बजे 1 बजे बच्चा माँ की गोद में होता है। ये बच्चों की खूबसूरती है, बच्चों का मनोविज्ञान है। और इस सत्र को मैडम से फिर मैं आग्रह करूंगा कि अपने सत्र को जारी रखें, ये बड़ा सुंदर सत्र है जिसमें हम सबको काफी लाभ मिल रहा है। मैडम साकिल है तो सत्र जारी। सर जी पूरे मेरे शब्दों का चयन या बाल विकास की उपयोगिता पे कम ही
व्याख्या ही कर डाली। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र ही ऐसा है कि ये बालक का शब्द सुनते ही कौतूहल शब्द मन में खुद ब खुद जाग उठता है। जिज्ञासा, बालक जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते ही हैं और उनकी जिज्ञासा को शांत करना समय समय पर हम अभिभावकों और हम शिक्षक का काम होता है। और शायद इन जिज्ञासाओं को यथार्थपूर्ण ढंग से, सार्थकपूर्ण ढंग से अगर हम उनको समझा पाते हैं तो शायद भविष्य में काउंसलिंग की भी जरूरत ना पड़े। सर ने बहुत अच्छे से अपने कविताओं के माध्यम से उत्सुकता का किया, सुख दुख का किया, तो मैं भी यही बताना चाह रही हूँ कि बाल विकास में बाल मनोविज्ञान की अध्ययन की जो भी पद्धतियाँ रही हैं उनसे हमेशा हमें लाभ ही मिला है। उनके मनों को समझने में, उनके साथ अपने समाज में रिलेट करने में कभी कभी बालक भी हमें बहुत कुछ सिखा जाते हैं। जैसे अभी अभी कविता के साथ हुआ कि उसके बाद माँ तो थक जाती है तो अपने ऊपर उन सारे जवाबों की उत्तरदायित्व को ले लेती है, लेकिन कभी वो ये बहुत बड़ा संदेश दे देती है कि वो सुख दुख सबको एक समान अवस्था में समझे। इस तरह से हम कह सकते हैं कि बाल विकास की अवस्थाओं लोगों के व्यवहार के समझने में ये महत्वपूर्ण है, मानव विकास के अध्ययन की शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और हमारे लिए बाल विकास को समझना, बाल मनोविज्ञान को समझना और उस पर काम करना एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। थैंक यू। समझने के लिए हमें कुछ कुछ अपने ऊपर भी कुछ ठोस कदम उठाने होंगे, जैसे कि अपना आत्मावलोकन करना, बच्चों के परीक्षण या ऑब्जर्वेशन के बाद कुछ चीज़ों को उनसे निकालना और उनकी खामियों को बाहर करना, विसंगतियों को दूर करना और साथ ही उनकी अच्छी प्रकृति को उभारना ताकि हम समाज में एक अच्छे नागरिक के रूप में उनको स्थापित कर सकें और भविष्य के लिए एक अच्छी नींव रख सकें। क्योंकि अगर हमारा भविष्य, अगर हमारा बच्चा अगर अच्छा होगा, उसकी नींव मजबूत होगी तो स्वाभाविक तौर से हमारा भविष्य भी सुखद होगा और उस भविष्य का लाभ निकट भविष्य में हम भी उससे लाभान्वित होते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि हम अगर प्रौढ़ावस्था से वृद्धावस्था की ओर चले जाएं तो हम उसका लाभ से वंचित रह सकते। इसलिए हम सभी की जिम्मेदारी होती है कि हम अपने बालकों पे विशेष तौर पे ध्यान दें, उनके शिक्षा के साथ साथ उनके पालन पोषण पे, उनके पोषण पे पूरे अच्छे से देखभाल करें। अक्सर क्या होता है, घर में पालन पोषण पे उतना ध्यान नहीं दिया जाता है, बच्चा कुछ खा रहा है जा रहा है, लेकिन हमें पालन पोषण पे इसलिए भी ध्यान जरूरी है क्योंकि इस समय बच्चों का मानसिक डेवलपमेंट होता रहता है तो उस मानसिक डेवलपमेंट के लिए भरपूर पोषण की जरूरत होती है। जब हम अच्छी तरह से मानसिक